बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा दवाइयों का होता है हमारी टीम की एक सदस्य ने आम तौर पर काम आने वाली कुछ दवाइयों का एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिया फिर उन्होंने ये दवाइया बाजार में एक केमिस्ट की दुकान से खरीदी इक्कीस सौ इक्यावन और यही दवाइयाँ उन्होंने जेनेरिक मेडिसिन की दुकान से भी ली कितना हुआ इसका? 354। दवाइयों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दिया राजस्थान में कम कीमत में मिलने वाली इन जेनेरिक दवाइयों की शुरुआत की चित्तौड़ के पूर्व कलेक्टर डॉक्टर समित शर्मा ने डॉक्टर समित मुझे बताइए कि ये कैसा मुमकिन है कि हमारी जो कॉरिस्पॉन्डेंट थी वो वही दवाइयाँ उन्होंने दो कीमत में उनको मिली एक दुकान में और जो जेनरिक मेडिसिन है उस दुकान में जब गई तो उनको कम में मिली तीन में मिली ये कैसे मुमकिन है ठीक इसी समय प्रतिक्षण प्रतिपल एक ट्रेजेडी हमारे चारों ओर घट रही है अर्थक्वेक की आपकी कि सुनामी की बात करें उसमें जितने लोगों की जाने एक दिन में जाती हैं उससे ज़्यादा जाने प्रतिदिन इस ट्रेजेडी की वजह से जाती है जी वो क्या ट्रेजेडी है वो ट्रेजेडी ये है साहब कि जो दवाइयों की जो वास्तविक कीमत है वो तो बहुत ही कम है पर जो दवाइया हम जब बाजार से खरीद के लाते हैं तो हमें वो पांच गुना दस गुना बीस गुना कई बार तो पचास गुना से भी ज्यादा दामों पर हम उसको खरीदते हैं जैसे हम भारत में अगर देखें कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने लिए दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते तो क्या वो उस तो दवा को खरीद सकते हैं बहुत सारे लोगों को इस वजह से दवाई नहीं मिलतीस डब्ल्यू एच ओ कहता है कि स्वतंत्रता के पैंसठ वर्ष पश्चात आज भी 65 परसेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन

दूध सुबह एक गिलास शाम को पिया कर पर चिकित्सा के व्यवसाय में दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा हम ये नहीं कहते कि आप भैंस का दूध लेके आइए हम कहते हैं कि वो रामू की भैंस का दूध लेके आना यही ब्रांडिंग है ये जब उसकी दुकान पे जाती है वो कहता है पांच सौ रुपए लीटर है लेना है कि नहीं लेना तो जो तीस रुपए की चीज है वो पांच सौ रुपए में मिलती है तो अगर मैं डायबिटीज की दवा ले रहा हूं और अगर मैं ब्रांडेड दवा लेता हूं तो मुझे कितने की पड़ेगी जैसे एक एक रुपए में भी है एक रुपए में मिलती है और अगर वही चीज हम उस, उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें तो वो कितने की बनती है वो मात्र एक रुपए पिचानवे पैसे में दस गोली मिलती है और दोनों गोलियों में कोई फर्क नहीं है किसी किसी प्रतिशत समान क्योंकि इसकी उत्पादन लागत ही इतनी है उसका मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट रिटेल मार्ज जो उसके मार्जिन जो हैं जो हमारे ज्यादा उतने, उतने की के ही पड़ती है कुछ कैंसर के मैं आपको उदाहरण दूंगा उसमें एक ही दवा जो ब्लड कैंसर के काम में आती है बाजार में सवा लाख रुपए का एक पैकेट मिलता है सवा लाक। सवा लाख लाख का एक पैकेट जो एक महीने चलता है और जेनरिक में वही दवा जेनरिक में अलग अलग कंपनीज जो बनाती हैं एक दस हजार दो सौ में बेचती है एक आठ हजार आठ सौ में बेचती है और एक साढ़े छह हजार में बेचती है मतलब ये आपका ये कहना है कि आपके ये प्रयास से इतने कम में राजस्थान में पब्लिक को आवाम को ये ये दवाएं पहुंचा रहे हैं आप इस वक्त जी क्या बात है मेरा ये है मेरा सवाल कि डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पर्ची पर जी जेनेरिक नाम क्यों नहीं लिख के देते क्यों लिखते हैं वो ब्रांड जाने नहीं देंगे फिर। नहीं नहीं सब जाने देंगे जब एक नया नया मेडिकल प्रैक्टिशनर जब प्रैक्टिस शुरू करता है तो उसके पास जो कंपनी के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सेल्स बढ़ाने का उनका काम होता है मार्केट प्रिंसिपल के हिसाब सेल्स एजेंट होते है हैं हैं बेसिकली फिर वो कहते साहब आप हमारी जो दवा है यही लिखना ये बहुत बेहतर दवा है इससे मरीज ठीक होगा और उनको डॉक्टर्स को लिखने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है उनको टेप्ट किया जाता है तो ये इसमें बहुत बड़ा कारण है जो दवा की कीमत को उसकी वास्तविक कीमत से पांच दस गुना बीस गुना तक बढ़ा देता है एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारे पास जब हम टेंडर करते हैं तो बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं जो भारत की जो सबसे बेहतर कंपनियां जिसके भी नाम वो रेप्यूटेड कंपनियां जिनके नाम आप ले सकते हैं वो सभी हमें वो उसको जो सत्तर रुपए की है उसको दो रुपए में पांच रुपए में दे रही है तीस रुपए की दवा दो रुपए में दे रही है इतना ज्यादा फर्क तो कंपनी तो दे सकती है और देना चाहती है और हमें देती भी है इतनी कम दाम हमें दे रही है ना ये संभव तो है अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि भारत से हम लगभग पैंतालीस हजार करोड़ रुपए की जेनरिक दवाइयां प्रतिवर्ष विदेशों को निर्यात करते हैं आप भेजते हैं जी, दुनिया जी, भर में जी, जी, जी. जेनरिक yes. ये जो सस्ती yes. दवाएं हैं हैं yes, आप yes. विश्व भर हाँ. में yes, yes. विश्व और में हमारे लोगों हैं। को नहीं मिलती हमारे देश में महंगी है हमारे देश, देश में महंगी और अगर ऐसा है तो हमें कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत नहीं हम वापस उसी दिशा में जा रहे हैं आपने जब ये शुरू किया तो आपको कोई रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा राजस्थान में देखिए जो प्रयास हम कर रहे हैं ये बेसिकली धारा के विपरीत बहने का एक प्रयास है जी काफी थ्रेट्स भी हैं क्योंकि इसमें माफियाज भी हैं ड्रग माफियाज जो ऑपरेट करते हैं और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हम सौ साल से भी पुरानी शोषण की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं पर हमने हमेशा डॉक्टर्स को दोषी नहीं माना जी, जी। सारे डॉक्टर्स बुरे और आज भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने घर से सैंपल्स ला करके अपने जेब से पैसे निकाल के मरीज का इलाज कराते हैं ऐसे डॉक्टर्स आज भी हैं बिल्कुल तो उदाहरण भी बताता हूँ कि कैसे हमारे जो काम वाली थी उसका बच्चा था छोटा इंसिडेंटली हमको इस समय छुट्टी मनाने कोई बाहर गए जब हम लौट के आए दस बारह दिन बाद तो वो लक्ष्मी के साथ उसका छोटा जो बेटा था राजू वो भी उसके साथ आता था जब और मेरे बच्चों के साथ खेलता था मेरे बेटे के साथ खेलता था तो वो लक्ष्मी अकेले ही राजू नहीं आया तो हमने पूछा कि क्या हुआ तो उसने जो बात बताई कि साहब वो उसको आप गए थे उल्टी दस्त हो गया था उल्टी दस्त की बीमारी के लिए वो जब दवा लेने गई तो केमिस्ट ने उसको कहा कि इसकी तो चार सौ लगेंगे उसने कहा साहब मैंने खूब मांगा मेरे पास चार सौ रुपये मुझे नहीं थे और मेरा बच्चा रात को ही उसको दस्ताते रहे वो खत्म हो गया और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो जो दवा लिखी थी कि वास्तव कीमत डेढ़ दो रुपये ही है तो वो 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 बच्चे की जान बच सकती थी पैंसठ वर्ष के बाद भी अगर कोई बच्चा उल्टी दस्ते मर जाए तो मैं नहीं समझता इससे शर्मनाक बात कोई हम लोगों के लिए हो सकती है और सबसे बड़ी बात कि इसे आसानी से बदला जा सकता है हमें सबको एक समन्वित एक संगठित प्रयास करने की जरूरत है ये तो कुछ भी नहीं है कोई नई फैक्ट्री खोली नहीं कोई नई दवा नहीं बनानी ये सब जो गलत चल रहा है इसको रोकना ही तो है hmm. तो दोस्तों डॉक्टर समित की बातों से हमें यह पता चला है कि दवाइयों का जो कॉस्ट होता है जो उनको बनाने का खर्च होता है वो बहुत ही कम होता है और हमें इन कम दामों में ये दवाइयां मिल सकती हैं अगर हमारी राज्य सरकार जेनेरिक मेडिसिन की दुकानें खोले जैसे राजस्थान सरकार ने किया है और जिसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं एक बात और अगर आप एक एनजीओ हैं और आप जेनरिक मेडिसिन की दुकान खोलना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आपको पचास हजार रुपए की ग्रांट भी देता है डॉक्टर समित आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और इस बहुत ही अहम मुद्दे पर रोशनी डालकर हमारी आंखें खोल दी हैं और हमारी दुआ यह है कि जो काम आपने राजस्थान में शुरू किया है वो हर राज्य में फैले देश के कोने कोने में फैले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का डॉक्टर समित थैंक यू सो मच